आज क्लास प्रारंभ करने से पहले एक महत्वपूर्ण विषय पर डिस्कस करेंगे। ये डिस्कशन जो मैं आज करने जा रहा हूँ ये आमतौर पे हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। दिन प्रतिदिन ये घटना हम लोग खुद करते हैं और हम इसके जिम्मेदार हैं। तो एक समस्या है हमारे देश की सबसे बड़ी, उस पर थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि व्यक्तिगत स्तर पर आप लोग इस पर सोचें और हम लोग जो कर सकते हैं उसे करें, क्योंकि हम इसमें कर सकते हैं। मुद्दा ये है, इसमें हमारा सबसे बड़ा योगदान है और बहुत नॉर्मल चीज़ है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बात हम करने जा रहे हैं, बहुत नॉर्मल चीज़ है, आमतौर पे सब जानते हो आप लोग। दिन प्रतिदिन हर व्यक्ति जो है, ऐसा कोई दिन नहीं होता होगा जिस दिन आप लोग भोजन नहीं लेते हो। लेते हो कि नहीं लेते हो? खाना जो है सबसे आम चीज़ है जो आदमी कुछ भी नहीं करता जीवन में, मतलब जिसे कहते हैं ना निकम्मा है ना, वो रोटी ज़रूर तोड़ता है। रोटी तोड़ना सबसे आसान काम और सबसे बेसिक नीड है, बिना भोजन और पानी के कुछ नहीं हो पाएगा। ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है भोजन तोड़ने का। जो आप रोटी खाते हो उस रोटी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मुद्दा क्या लगता है आपको, बताइए, इस भोजन से जुड़ी हुई क्या चीज़ें निकल के आती हैं अपनी सोसाइटी के स्तर पे, चीज़ों पे आप क्या समझते हो, क्या देखते हो, क्या समझ में आता है भोजन को लेके, बताइए। सबसे पहली चीज़ भोजन की बर्बादी। मिलना नहीं मिलना छोड़ो, इसका दुरुपयोग होता है। मिलना नहीं मिलना एक अलग चीज़ है। जैसे मैं आमतौर पे अपना अनुभव बताता हूँ, मैंने कई बार देखे, मैं रेस्टोरेंट वगैरह में जब कभी जाते हो, आप लोग सब जाते हो, वहाँ पे खाते हो, आप देखते हो बगल वाला जब व्यक्ति टेबल से उठ रहा होता है तो वहाँ पे बड़े स्तर पे भोजन की बर्बादी आप देख सकते हो। उसने मंगाया, कुछ पैसे खर्च किए, पैसा खर्च करने के बाद छोड़ के जाता है, वो बड़े गर्व के साथ छोड़ के जाता है, क्योंकि लास्ट मोमेंट में उसको लगता है कि बस हो गया, इनफ, अब इससे ज़्यादा नहीं खा सकते। छूटता कि नहीं छूटता? डेली आपकी माँ आपके भोजन की थाली परोसती है, आप खाना खाते हैं या खुद आप परोसते हैं, आनंद फानन में हम भोजन को ज़्यादा लेते हैं और लास्ट मोमेंट में उसे छोड़ देते हैं, वो भी बर्बादी के तौर पे जाता है। होता कि नहीं होता? मुझे याद है, बहुत पहले की बात बताता हूँ, जब मैं बहुत छोटा हुआ करता था तो मेरी माँ क्या करती थी, जैसे डेली का भोजन बनता था तो रोटियाँ बसती थी, है ना, सबके घर पर रोटियाँ बसती हैं, किसी के घर पर ऐसा नहीं होता कि नहीं बसती। तो घर की परिस्थितियाँ कुछ ऐसी सबके घर में होती हैं, कभी ना कभी धीरे धीरे चीज़ें चेंज होती हैं, तो माँ जो एक ऐसा पहलू होता है कि वो भोजन को बर्बाद होने से बचाती, वो क्या करती थी कि भोजन को क्या करती थी कि रात का भोजन अपना जो है उसको रिस्टोर करके सुबह खुद खाती थी, कोशिश करती थी कि बच्चे ना खाएं, उनके लिए वो ताज़ा बनाती थी। मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस अपनी माँ को लेके कि वो हमेशा बासी खुद खाई हैं, हम लोगों को ताज़ा खिलाई हैं, लेकिन उन्होंने ये बासी खाने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने, वो चाहती तो वो भी फेंक देती, हम हमेशा डांटते रहते थे कि क्या कल का खाना खाते हो, लेकिन फिर भी उन्होंने खाया और खाने के बाद उस भोजन की बर्बादी को बचाया। तो आमतौर पर दिन प्रतिदिन का काम है हमारा। देखो ये बहुत छोटा इशू है, हमें पता है कि हम जितना खाएंगे उतना ही खा पाएंगे, उससे ज़्यादा हम नहीं खा पाएंगे। शादी बारात में जाइए, वहाँ पर भी हम हमेशा गलती करते हैं, प्लेट उठाया और दे दनादन भरना चालू किया। भोजन ऐसा नहीं होता कि दो चीज़ डाली और खाया, नहीं, पहले सब भर लो, जैसे ऐसा लगता लुट जाएगा, सब चला जाएगा, एक दो घंटे बाद बारात में ही मना कर दिया जाएगा कि भोजन जो है ख़त्म हो जाएगा, या फिर ये लगता है कि हम दो तीन घंटे तक खाना खाएंगे, सब 15-20 मिनट की चीज़ होती है। तो एक बहुत बड़ा बात है, और जानते हो ये मुद्दा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आप शायद ईश्वर की कृपा से, ईश्वर ने आपको इतना दिया है कि आप लोग भूखे नहीं सोए हो, या फिर आपने भूखे सोते हुए लोगों को देखा नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, वास्तविकता इतनी बुरी है हमारे देश की। अभी कल एक रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर बातें कर रहा हूँ, उस पर बहुत लंबा डिस्कशन भी हुआ कि देश में हंगर, भूख को लेकर के लोग ऐसे हैं कि ये कंडीशन है कि लोगों के पास एक टाइम छोड़ो, चार चार छः छः दिन के लिए भोजन नहीं है। जानते हो कैसा भोजन कहते हैं, रोड पे कहीं मिल गया, कचड़े के डिब्बे में कहीं मिल गया, आप लोग जो भोजन फेंकते हैं उस भोजन को किसी तरीके से वो यूज करके ऐसा भोजन खाते हैं, भोजन बर्बाद होता है बड़े स्तर का, और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। हम सीधा खाना हुआ उसके बाद उसको डस्टबिन में डाल दिया, एक मिनट भी नहीं सोचते कि इस खाने को कहीं उपयोग भी किया जा सकता है। तो मुद्दा ये है कि आप चाहो तो, ये सिर्फ क्योंकि आप ही के ऊपर डिपेंडेंट रखता है, आप भोजन उतना ही लीजिए जितनी ज़रूरत हो। क्या ज़रूरत है ज़्यादा डालने की, मुझे बताओ, है कोई ज़रूरत? रेस्टोरेंट में जाके ज़्यादा ऑर्डर करने की क्या ज़रूरत है? आप एक बार पूछ सकते हो जो सर्व करने वाला वेटर है कि भाई जो आप मुझसे लेकर आ रहे हो मेरा ऑर्डर उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, क्वांटिटी यदि ज़्यादा होगी तो हाफ मंगाओ, बाद में उसको फिर और मंगा लेना। कोई ऐसा तो है नहीं कि रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा आपके खाते खाते। एक बहुत बड़े बड़े इश्यूज़ हैं, और देखो हम इसमें दुनिया भर का ज्ञान देते हैं,
जान देने में सब आप भी कहते हो भोजन बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन हम जानबूझ के उसको गलत करते हैं। दिन प्रतिदिन होता है, थाली में डेली कुछ ना कुछ छूटता है, थाली में दिन प्रतिदिन कहीं भी बाहर खाने जाते हैं वो भी छूटता है, कभी भी हमारे दिमाग में एक डर और भय का वातावरण है ही नहीं। तो मैं आप लोगों से, बहुत बड़ी संख्या नहीं है, बहुत कम ही है, आप लोग एक छोटा सा प्रण कर सकते हो। मैं भी पहले ये काम करता था, मेरे साथ भी आमतौर पर होता था कि भोजन लिया छूट जाता था, लेकिन कई बार मैंने एक बार मैंने बस से एक चीज़ देखी थी। इंडिया गेट में बैठा था और इंडिया गेट में बैठे हुए मैंने एक माँ को देखा था जो दो बच्चों को कपड़े के थ्रू बांधे हुए थी अपने यहाँ पे, और बांधने के बाद वो सिर्फ एक काम कर रही थी, इंडिया गेट के पास जितने डस्टबिन लगे थे बस उसको खोलती थी, उसमें देखती थी, कुछ नहीं होता था, निराश होकर अगले डस्टबिन में जाती थी, सिर्फ अपने बच्चों के पेट भरने के लिए। उसके बाद मैंने प्रण किया था कि भाई जिंदगी में चाहे जो हो जाए, एक टाइम भूखे सो लो चलेगा, लेकिन थाली में एक अन्न का टुकड़ा यदि रह गया तो मतलब उसका चेहरा सामने आ जाता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसको फील कीजिए, बहुत बुरी कंडीशन है लोगों की। ईश्वर ने दिया आपको भोजन दिया है तो उसे बर्बाद मत करिए। आपको लगता है आपके जेब में ज़्यादा पैसे हैं, है ना, तो भोजन बर्बाद करके क्यों ख़त्म करना, किसी का पेट भर देना, खिला देना, पिला देना। हम ऐसे 5 रुपए देने में दुनिया भर का ज्ञान देते हैं उसको कि जाके दारू पी लोगे, ये कर लोगे, वो कर लोगे। तो आप लोगों को कम से कम इतना वैल्यू सिस्टम अभी सीखना चाहिए कि थाली का भोजन ना खराब हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ पानी। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, नॉर्थ इंडिया की एक नासा की रिपोर्ट आई हुई है, बहुत जल्द यहाँ का जितना भी, अब आप खुद देखिए, एक नया मकान बन रहा है, समरसेबल बन रहा है, नया मकान बनने से पहले समरसेबल बन जा रहा है, भूगर्भ का पानी बस निकलता जा रहा है, धीरे धीरे वर्षा कम होती जा रही है, वाटर रिचार्ज नहीं हो रहा, नीचे पानी जाना भी तो चाहिए। अरे कोई भी चीज़ हो, आपके पास करोड़ों रुपया हो, लेकिन एक एक रुपया खर्च होते होते वो सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। इस ज़मीन के नीचे चाहे जितना पानी हो, जल संकट बड़े स्तर का। हिमाचल प्रदेश में अभी हमने देखा शिमला में कितनी बुरी स्थिति रही, इसके बाद जो है दिल्ली वाला, ये नॉर्थ इंडिया का पूरा रीजन। कभी आप कच्छ और गुजरात वाला रीजन जाइए, या फिर आप ये रेगिस्तान का जो एरिया है वहाँ पे जाके देखिए कि लोग किस तरीके से थोड़ा सा यदि जल का सोर्स है उसमें लॉक लगा के रखते हैं, एक एक घूंट के लिए मरते हैं लोग वहाँ पे, एक एक घूंट के लिए, इतना पानी का इंपॉर्टेंस है। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है, टोटी खोल के चले आना, है ना, पानी जो है ब्रश कर रहे हैं, पानी को बिल्कुल ऑन कर दिया, वैसे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ दिक्कत ही नहीं। क्यों क्यों दिक्कत होगी भाई आपको, है ना, क्यों दिक्कत होगी। अभी 15 दिन के लिए आपकी वाटर सप्लाई बंद कर दी जाए ना, पता चले कि पानी का महत्व क्या होता है, लेकिन पानी उपलब्धता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं तो कहता हूँ भारत सरकार को कंपलसरी करना चाहिए देश के हर घर में कि आप वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाइए। आप घर बनवा रहे हैं, छत बनवा रहे हैं, एक खंड और बनवा रहे हैं, नहीं, आप नीचे पूरा का पूरा मैकेनिज्म बताइए, अपने भारत सरकार किसी कंपनी को टेंडर दे कि हर घर जाए, कंपलसरी हो कि जितना छत का पानी आएगा या घर का पानी आएगा वो जाके नीचे रिचार्ज करेगा प्रॉपर प्योरीफाइड होकर के। ऐसा नहीं होगा कि प्रदूषित जल नीचे जाए। तो मुद्दा इस चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। आने वाले समय में जल को लेकर के युद्ध होंगे, जल को लेके, भोजन को लेकर के, यही बनेगा बहुत बड़ा रीजन, क्योंकि हम लोगों को समझ ही नहीं है। एक ह्यूमन बीइंग, मुझे तो सबसे अच्छा जानवर लगते हैं, जितनी जरूरत हुई उतनी खाए। ऐसा नहीं होता कि वो, क्योंकि उनके अंदर इतना सेंस है कि मेरी आवश्यकता पूर्ति हो गई, बस छोड़ दिया, आवश्यकता से बाहर वो नहीं निकलते हैं। तो जितनी ज़रूरत हो चीज़ों को लेके, पानी को लेके, इसकी बर्बादी ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। निश्चित तौर पे आप सभी दुरुपयोग करते होंगे, मुझे तो कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि आमतौर पे ह्यूमन नेचर हमारा बन गया। क्यों अलाउद्दीन जी, है ना, भोजन बर्बाद होता है ना। तो एक प्रण करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेसिक नेचर है, लेकिन होना चाहिए। आप प्रण करो, आप दुनियादारी मत सोचो, अपने स्तर पे, व्यक्तिगत स्तर पे यदि मुझसे हो पाता है तो मैं एक बूंद पानी अपना खराब नहीं होने दूंगा। सावर चल रहा है, नहा रहे हैं, भाई साहब कितना लंबा नहा रहे हैं उनको खुद नहीं पता, उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ मैं 20 लीटर पानी खराब कर दे रहा हूँ, और वहाँ पे लोग एक घूट पानी के लिए मर रहे हैं सिर्फ नहाने में खराब कर दे रहा हूँ, ब्रश कर रहा हूँ 4 बाल्टी पानी चला गया ब्रश करने में। ये बहुत सेंसिबल चीज़ें हैं, लेकिन ये सेंस आमतौर पे लोगों के अंदर होता नहीं है। इसलिए जल संकट और इन सब चीज़ों में व्यक्तिगत भूमिका हम सबको उठानी पड़ेगी। यदि हम इन इशू पे अभी नहीं शांत रहे, अभी हम इन चीज़ों को नहीं ध्यान दिए, तो आने वाले समय में बहुत विपरीत परिस्थितियाँ उत्पन्न होने वाली हैं। आपको शायद पता ना हो, ये दिल्ली, ये जितना भी कोस्टल एरिया है हमारा, पूरा कोस्टल एरिया, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि माइनिंग हो रही है, माइनिंग छोड़िए, नीचे से हम पूरा क्या कर रहे हैं, भूमि जमीन को पूरा खोखला करते जा रहे हैं नीचे से।
तो यहाँ पे कैविटी, यानी कि इतने बड़े बड़े आने वाले समय में ये होगा कि समुद्र का पानी प्रवेश कर जाएगा जल के सोर्स में। मीठे जल का सोर्स है कितना, मुझे तो बड़ा दुख होता है कि जब पहाड़ों में जाइए, पहाड़ों में देखिए कि निर्जर झरना जो बह रहा था उसको भी हमने दूषित कर दिया। भाई हमने क्या किया, वहाँ से झरना बह रहा था, हमने झरने के आधे हिस्से को काटा, रोड में तब्दील कर दिया। अब झरना रोड से होके जाने लगा, रोड से, वो मीठे जल का स्रोत था। नदियाँ दूषित ऊपर से ही होने शुरू हो चुकी हैं, नीचे तक की अब जरूरत नहीं है। आने वाले समय आप खुद देखिए, आप जाकर के कभी भी पीएच मान देखिए, वहाँ पे जो ऊपर ऋषिकेश तक में बहुत बुरा हाल हो गया है, उत्तराखंड से जो नदियाँ निकल रही हैं वहीं पे पूरा जो है पॉल्यूशन चालू हो गया। क्यों, मानव पहुँच चुका है जिन एरियों पे मानव को कभी नहीं जाना चाहिए, दुनिया भर के रिस्ट्रिक्टेड जोन बना रखे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे पर्यटन के आधार पे, अरे मुझे तो बड़ा अजीब लगता है, मैं सच बताऊँ आपको, आपने क्या कर रखा है, 20-20 फुट चौड़ी रोडें बना दी। अरे भाई पैदल जाओ, जरूरी है हर जगह गाड़ी लेके जाना, पहाड़ों में भी जाना तो हर जगह गाड़ी लेके जाना जरूरी है, पैदल नहीं जा सकते, वहाँ का पहाड़ी आदमी तो चल रहा है पैदल, कोई दिक्कत नहीं है, इतनी भी क्षमता नहीं है आपकी, आपको आनंद लेना है प्रकृति का, लेकिन प्रकृति को तहस नहस करके आनंद लेना है। अब बोल रहे हैं कि हम पर्यटन को बढ़ावा दे रहे हैं, कहाँ पर्यटन का बढ़ावा दे रहे हो, 4 दिन बाद ये पहाड़ मर जाएंगे, एक भूस्खलन होगा, एक कुछ घटना होगी, पूरा का पूरा पहाड़ ढह जाएगा, उस पहाड़ से ही जल का स्रोत है। तो मुद्दा बहुत गंभीर होते जा रहे हैं, हम लोग नॉन सेंसिबल पर्सन बनते चले जा रहे हैं, हमें सोसाइटी को लेके अपने प्रति कोई जिम्मेदारी रही नहीं गई, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे सोसाइटी में जल संकट आ जाए, चाहे पड़ोस में कोई मर रहा हो भूखो, हमें अपने से आपसे मतलब है, हम बर्बाद कर रहे हैं, बस बर्बादी हमने सीख ली है, हर चीज़ की बर्बादी कर रहे हैं, जल की बर्बादी, विद्युत, अब तो 24 घंटे लाइट मिल जाए तो 24 घंटे बर्बाद कर दो, आपके अंदर क्षमता नहीं है। मैं कभी कभी देखता हूँ इतना खुन्नस आता है, मोबाइल का चार्जर लगा हुआ है तो लगा ही है, वो चार्जर को आप निकाल नहीं सकते, उसके बटन नहीं बंद कर सकते, क्यों, क्या दिक्कत पड़ती है आपको, बस अपना मोबाइल निकाल लिया चल रहा है वो, आपको लगता है कोई ऊर्जा का क्षय नहीं हो रहा होगा उसमें, इतना आलसी हो गया आदमी। अरे दिल्ली NCR में और सबसे ज़्यादा आलसी लोग यहीं बसते जा रहे हैं, ये एक सबसे बड़ी समस्या है। तो थोड़ा सा बेसिक अवेयरनेस सीखिए, ये बहुत ज़रूरी है, आप दुनिया भर की पढ़ाई पढ़ लीजिए, कोई लेना देना नहीं है इस पढ़ाई का, आप यदि इन चीज़ों को इतर अपने आप को मानते हैं ना, तो आप जीवन को लेकर के आने वाले समय में बहुत परेशान होने वाले हैं, पूरी प्रकृति परेशान होने वाली है। तो हमें जिम्मेदारी उठानी चाहिए व्यक्तिगत स्तर पे। मैं कहता हूँ यदि आप हैं, अपना भोजन बर्बाद नहीं करते, पानी नहीं बर्बाद करते, हो सकता है कि आपके घर वाले लोग देखें, आपसे कुछ सीखें, घर वाले 4 लोगों को और बताएं, वो आपसे सीखें, आप एक रोल मॉडल बन सकते हो। यदि इतनी छोटी सी आदत, अपने हैबिट डेवलप कर लो। ज़्यादा लेने की हैबिट क्यों है आपकी, भोजन ज़्यादा लेने की हैबिट क्यों है, ये बड़ा मुद्दा है, किस चीज़ का डर है आपको, भोजन लोग ज़्यादा क्यों लेते हैं, मुझे इस चीज़ को कभी सोचते में बैठता हूँ कि किस चीज़ का इसको डर है, अचानक पूरी थाली भर लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो, खाने के बाद नील बटे सन्नाटा, उसे झूठन खिलाने की आदत होती है। मेरे घर में भी जो है एक दो सदस्य ऐसे रहे, जैसे कि एक नाम आता है, बहुत आसानी से बताता हूँ मैं तो बस मतलब ये बहुत बड़ा गलत नेचर है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको कम से कम जूठन को लेकर के जिस तरीके से हो सके बचिए, ना खिलाइए, ना खाइए, ना छोड़िए, जूठन बचे ही क्यों, थाली में थोड़े से चावल लीजिए, जब वो भर जाए फिर थोड़े से ले लीजिए, जब वो ख़त्म है और थोड़े से लिए, और खाने में आनंद आता है, ज़्यादा में तो भूख मर जाती है, कम में और भूख लगती है, सब्र नहीं रहा, अच्छा कि भोजन बस आया, अच्छी सी खुशबू लगी, बस स्वाद, वही सारी चीज़ें हैं। आप ज़्यादा भोजन में आपकी भूख भी मर जाती है, आपका हाजमा ख़राब हो जाता है, शाम वाला फिर भोजन का आनंद नहीं ले पाओगे, ये सब चीज़ें थोड़ा सा सीखिए, और ये चीज़ जिम्मेदारी में लीजिए, पानी हमसे बर्बाद ना हो, कहीं पे लग रहा है कि विद्युत बर्बाद हो रही तो विद्युत बर्बाद ना हो, और यदि कहीं पे लग रहा है कि भोजन मेरे थ्रू बर्बाद हो रहा है तो मत बर्बाद, ये करिए, ये अपनी हैबिट में लाइए, अपनी आदत में लाइए, ये भी एक लाइफ मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ठीक है। सोसाइटी के प्रति कहते हैं ना कि मेरी क्या जिम्मेदारी, आपकी ये जिम्मेदारी है, कचरा आप मत फैलाइए, बस बाकी मत देखिए कि वो फैला रहा है, वो कर रहा है, वो नहीं कर रहा, कुछ भी काम है आप अपनी जिम्मेदारी निभाओ ना भाई, आप दूसरे का ठेका लेके बैठे हो, दूसरा आपको सैलरी देता है बताने के लिए कि ये कचरा डाल रहा है, मुद्दे की बात है, आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो। यहाँ पे एक पगल से एक पॉकेट बनना चाहिए, उसमें लिखा होना चाहिए स्वच्छ भारत अभियान, जैसे ही कुछ खाया उसी पॉकेट में गया, इसके बाद पूरा पॉकेट इंस्टॉल, दूसरा पॉकेट लग गया, होना चाहिए। अब ये सब चीज़ें बहुत बेसिक चीज़ें हैं, क्या करें,
आपको ये लगता है अरे कोई नहीं देख रहा, मैं बताता हूँ। हम लोग अभी, मैं गया था पहाड़ों में, हम लोग एक चर्चा कर रहे थे बहुत अच्छी पहाड़ों में। मैं देख रहा था इधर पड़ी हैं बॉटलें, उधर पड़ी हैं बॉटलें, कोई बियर की बॉटलें फेंक आया है। दो चीज़ें थी, एक चीज़ तो ये निकल के आई जब मैंने स्थानीय लोगों से पूछा कि भाई ऐसा बताइए यहाँ पे क्या कोई नगर पालिका या कुछ ऐसा आता है वाहन जैसे दिल्ली में आता है कि लेके चला जाता है कचरा। उन्होंने कहा सर यहाँ कोई मैकेनिज्म नहीं है कि कोई यहाँ के कचरे को ले जाए। तो मैंने पूछा कि अच्छा क्या करते हो आप इस कचरे का, बोले हम इसको बर्न कर देते हैं, जला देते हैं। मैंने कहा अच्छा, प्लास्टिक की बोतलें जल रही हैं पहाड़ों में, है ना, उसे पॉल्यूशन निकल रहा है, ठीक है। उन्होंने कहा हम इसे जला देते हैं। मैंने कहा ठीक है, क्या करें भाई, नहीं उनके पास उपाय, कांच की बोतलें हैं बिखरी पड़ी हुई हैं। फिर थोड़ी देर चलते चलते चर्चा करते करते हमारे एक मित्र थे, तो मित्र साथ में हम लोग कुछ ड्रिंक ले रहे थे, ड्रिंक का मतलब सॉफ्ट ड्रिंक। तो वो उन्होंने क्या किया, पीने के बाद बोतल तुरंत ऐसे फेंक दी पहाड़ों में, देखा इधर उधर कि चर्चा खत्म, फेंक दी। हमने उसे चर्चा से बहिष्कृत कर दिया तुरंत। हमने कहा बाबा आपके पास इस चीज़ का क्वेश्चन करने का, अब आप क्वेश्चन मत कर देना एक भी बार, यदि किया तो भाई फिर खतरनाक हो जाएगा, आप सामने ही अभी अपराधी हो चुके हैं, सिद्ध हो चुके हैं। तो कहने का मुद्दा ये है कि हम बहुत चीज़ों पर चर्चा जरूर करते हैं, लेकिन हमारे आचरण ऐसे नहीं होते। आप चर्चा भी करिए, वैसे आचरणों का पालन भी करिए, दोनों चीज़ें जरूरी हैं। दूसरे के ऊपर ब्लेमिंग करने से कुछ नहीं होगा आपका, समझ रहे हैं ना, आपके ऊपर भी शक हो रहा है मुझे। तो आप थोड़ा सा इस बात को समझिए, रख रहे हैं ध्यान, हाँ सबको मतलब ये चीज़ करना जरूरी है। क्यों अनिल जी, दुनिया को बर्बाद करने का ठेका ले रखा हमने, हाँ एक बाल्टी पानी पर, अरे सूखा सूखा नहा के निकल आओ, बाथरूम में जाओ बस हो गया। नहीं नहाना चाहिए, वो सब चीज़ जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई 20 बाल्टी में नहा रहे हैं, चल रहा है सावर आनंद ले रहे हैं, लेट गए उसको नदी बना दिया बाथरूम को। ये सब चीज़ें जो है ये अनरिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाते हैं कि आपको सोसाइटी की प्रॉब्लम से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जल संकट में दुनिया भर की बातें करवा लीजिए आपसे, अरे जिस दिन लग रहा हो तरो ताजा हो मत नहाओ, कम से कम 2-4 लाख लीटर तो एक दो बाल्टी तो बचेगा। कहाँ नहा लो, अच्छा चलो ठीक है, मैं बस ये आप लोगों के अपने माध्यम से मैसेज देना चाहता था, यदि आपको चीज़ें समझ में आए, लगे कि हाँ एक समस्या है, क्योंकि वास्तव में बड़ी समस्या है, तो इसको अपने अंदर उतारने का प्रयास कीजिएगा। बाकी एक चीज़ पता है मुझे कि कुत्ते की पूंछ हाँ टेढ़ी रहती है, कुछ लोग होते हैं उस पूंछ के मालिक, तो अपना पूंछ क्यों सीधी होने देंगे, ठीक है, वो अपनी दुम को टेढ़ी ही रखना चाहेंगे। कुत्ते की पूंछ के बारे में कहानी है कि उसको चाहे एक बांस में 50 साल तक डाल के रखो, और उसके बाद जैसे ही बांस से निकालोगे बांस टेढ़ा कर देगा वो, लेकिन पूंछ सीधी नहीं कर पाएगा। तो मुद्दा ये है कि कुछ लोग होते हैं ऐसे सोसाइटी में, उनको चाहे जितना समझाओ, लेकिन फिर भी आप लोग समझदार लगते हैं, इस समझदारी को उठाइए। अब जिम्मेदारी आप नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। प्रयास कीजिए, कम से कम भोजन लीजिए, जितना आप खा सके उतना लीजिए। आपको लगता है कि आपको पास ज़्यादा कैपेसिटी है भोजन ज़्यादा, तो आप किसी को बुला के खिला दीजिए, वो चल जाएगा, ठीक है ना। चलो ठीक है, चलो विषय वस्तु पे चलते हैं। आज मुझे आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट विषय वस्तु पढ़ानी है।